इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। क्या हो रहा है देखिए ना, क्या अद्भुत प्रसंग चल रहा था। उसी क्रम में बाबा विश्वामित्र जी ध्यानावस्थित तदकदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, तब मुनिवर मन की बिचारा प्रभु अवतरेउ हरन मही भार। भार क्या है? बड़े भैया कह रहे थे कि बिना मिथिला के अयोध्या वालों का काम नहीं चलता है। देखो, आपने कभी बेटे के पिता को परेशान देखा है? लड़का का ब्याह नहीं हो रहा है, अब बकलोले है तो बात अलग है। लड़का बकलोल है तो कौन ब्याह करेगा हो? लेकिन हमारे सरकार, हा हा क्या बात है, कहने लायक, समझने लायक। शीलता की प्रतिमूर्ति एक नहीं तदपि अधिक सुख सागर रामा। क्या छटा है। मिथिला वाले गरीब तो हैं तब वो ये कहते, देखो झांकी केहन मजेदार दुल्हन सरकार की। गरियाए रहते हैं और प्रशंसा दुल्हा जी की ही करते रहते हैं। एक थोड़ी है, अरे जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला, जब से आए सरकार मिथिला। सरकार मिथिला तब से उत्सव ही उत्सव लगातार, मिथिला तब से उत्सव ही उत्सव लगातार। अब इसमें कौन सा सरकार का अपराध बनता है कि वो जिधर देख देते हैं वही उनके पीछे चल देता है। ये तो कहिए कि सरकार द्वारिका वाले नहीं, द्वापर वाले नहीं, त्रेता वाले हैं, धर्मावतार हैं, नहीं तो पूरी मिथिला चलकर अयोध्या आ गई होती। वो तो देखते ही नहीं है, जय माई देखते ही नहीं है। सब लोग देखते हैं, लाला मेरे नहीं देखते। और लाला बड़का देखत नहीं है, छोटका देखते तो हूंफ देते, तो मारे ऐसे सब पटाई जाते। हाँ, आप दर्शन करेंगे, क्या छवि है, अद्भुत। आए आए, विश्वामित्र बाबा यहां विराज रहे हैं। महात्माओं से सुना है ऋषियों ने एक मंडल बनाया। श्री याज्ञवल्क जी महाराज मिथिलापति के गुरु तत्व हैं। भ्राता श्री कल लीला उत्सव में कह रहे थे कि वो श्री जी हमारी जब गए थे किसी व्यवहार में और उठाकर लेपन कर दिया, अरे श्री जग जननी तो जग जननी है, तो पिता को चिंता भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने बात रखी। ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा सुंदर सुयोग बना, दिव्य भाव उपस्थित हो गया, अब निर्णय ले लो महाराज, जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उससे पुत्री का विवाह किया जाएगा। मां तो अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, अलौकिक हैं। ले लिया महाराज ने, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। देखिए थोड़ा कठिन है, समझने योग्य है,
हृदय और मन, परसों कथा में हमने स्मरण किया था, मनुष्य या तो मन से सोचता है अथवा हृदय से सोचता है अथवा दोनों से सोचता है। दोनों स्तर पर जब ऐक्यता आ जाती है तो एक दूसरे की बात कहनी समझानी नहीं पड़ती है, आंख बंद किए संदेश यहां से वहां अपने आप जाता रहता है और उधर से इधर आता रहता है। गुरु वशिष्ठ भगवान ने इस भाव का स्मरण किया। जब चक्रवर्ती जी महाराज ने भाव रखा, महाराज राम जी सब प्रकार योग्य हो गए हैं, आगे का व्यवहार भी स्मरण होना चाहिए, आपकी कृपा हो रचना बने। ध्यान में लेते ही विश्वामित्र जी महाराज के भी ध्यान में आ गया, अब तक क्यों नहीं आया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती। ऋषियों का चिंतन है। मैं 91 से श्री अयोध्या में रह रहा हूं। पचासों लाख रुपया केवल जमीन देखने में, बयाना करने में ठाकुर जी का चला गया। मैं जानकी महल में बैठा था, किसी बड़े बड़े अनन्य ने कहा श्री महाराज जी का नाम लेकर, आप बात कर लो, आपको अयोध्या जी में बहुत शुद्ध बुद्ध जमीन प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने सरकार को फोन किया तो सरकार बोले कहाँ हैं आप, तो हमने जानकी महल में मैं रहता ही था, तुमने कहा सरकार यहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, मैं आऊँ तो श्रेष्ठ आए, थोड़ा हमको अटपटा लगता है। तो मैं अभी कह ही रहा था कि सरकार की कृपा हो गई, मुझे बड़ा अटपटा लगा। देखो आप, 91 से 15 में 12वां वर्ष मनाया गया ना, 14 में 15 सरकार, 15 में पहला उत्सव यहाँ पर, 14 ये मैं आपको एक घटना बता रहा हूं इस कथा के प्रसंग के आशय में। देखिए, हम यहीं रहते, दर्शन करते चले जाते, घूम घूम दर्शन करना ही मेरा कार्य था, मैं बैठता था ही नहीं। धाम में आवे तो दर्शन ही करते रहते थे, दर्शन ही करते रहते थे, कभी सुग्रीव किला, कभी नागेश्वरनाथ, कभी उधर काले राम, कभी सदगुरु सदन सियाराम किला, घूमते ही रहते थे। उधर बंगाली बाबा के यहाँ नतुवन कुंड। भगवान जब निमित्त बनाना होते हैं, अपना काम लेना होते हैं, तो किसी न किसी महापुरुष की चित्त में आपके प्रति स्पंदन उपस्थित कर देते हैं। सरकार वहां कृपा किए, मैं आया, और तब के दिन में, और आज हम यहां बैठ करके आपके साथ कथा गान कर रहे हैं। ये क्या है, ये लाला सरकार, लली सरकार अपने आप रचना बना देते हैं। इधर गुरु वशिष्ठ भगवान ने ध्यान किया, विश्वामित्र जी महाराज ने ध्यान किया, उधर याज्ञवल्क जी महाराज ने ध्यान में लिया, और तीनों ऋषियों ने मिलकर ये रचना बना दी कि अयोध्या जी से राम जी को मिथिला पहुंचा देना, मिथिला पहुंचाना है। यज्ञ तो हो ही जाएगा, यज्ञ तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है हो, लेकिन दर्शन करिए। किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए उस कार्य जितना ही श्रेष्ठ और सैद्धांतिक संकल्प होना चाहिए। सैद्धांतिक संकल्प है तो लक्ष्य पूर्ण होगा, नहीं अटपट हो जाएगा, रुक जाएगा। विघ्न का दर्शन करिए, कितने विघ्न आए। गुरु विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या जी पधारे, पूजन भया, श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया, प्रणाम वंदन, चारों पुत्रों को चरणों में मेल दिए, मेल दिए मैंने डारी दिए, हाथ जोड़ दिए। महाराज विश्राम हो, अगले दिन राजसभा में रचना बनाई गई, और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए
श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने ये प्रश्न किया, प्रभु के कारण आगमन तुम्हारा कहो सुकर नला के ही कारण। हे देव, आपके आगमन का कारण क्या है आप कहिए। आप कहेंगे और उस व्यवहार को मैं तत्क्षण पूर्ण करूंगा। छोटी सी बात राजन, असुर समूह सतावहीं मोही। हम यज्ञ कर रहे थे और असुरों का समूह हमारे द्वारा संकल्पित यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर रहा है। इस बात में कोई यथार्थ नहीं है, यहां यथार्थ नहीं है। विश्वामित्र बाबा चाहें तो असुरों को स्तंभित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। आयुध जो प्रभु को दिए उनका प्रयोग करके सबको जो चाहे सो करने में सक्षम है। लेकिन जो व्यक्ति बैठा हुआ कुछ भी कर सकने में सक्षम है, तथापि लोक मंगल के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोक विज्ञान प्रसारित करने के लिए उसको भी यात्रा करनी ही पड़ती है। ये लीला है। जिसका जो कार्य है वो संपन्न करे, यज्ञ संपन्न होगा। अच्छा, मान लीजिए यज्ञ संपन्न करने के लिए लाए होते तो यज्ञ पूर्ण हो गया, अब राम लक्ष्मण प्रभु को पहुंचाए अयोध्या जी, अब क्यों वहां पर अनेक कथाएं सुनाना। राम जी तो सब कथा जाने ही है, जाकी सहज सांस सुतचारी। नहीं, विश्वामित्र बाबा लेकर के आएंगे और यहीं से लेकर के मिथिला जाकर महाराज के यहां भी मंगल मनवाएंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।